राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। नेटफ्लिक्स और संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके लोकप्रिय गीत सकल बन को लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक म्यूजियम की प्रदर्शनी अवेकन सूफी म्यूजिक एंड विमेन ऑफ साउथ एशिया में दिखाया गया है। यह प्रदर्शनी यूके में अक्टूबर तक 3 महीने तक चलेगी। इस समावेश ने हीरा मंडी को मुगले आजम और जीनत जैसी फिल्मों के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सूफी संगीत के साथ रखा है, जिससे भारतीय संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काम के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक म्यूजियम की प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक अवेकन सूफी म्यूजिक एंड वुमेन ऑफ साउथ एशिया है, सूफीवाद के पुरुष प्रधान संगीत परिदृश्य में महिलाओं की भूमिकाओं की अक्सर अनदेखी की गई कहानियों को जीवंत करती है। 18 जून को खोली गई यह प्रदर्शनी दुनिया भर के संग्रहों से ली गई वस्तुओं के प्रदर्शन के माध्यम से सूफी महिलाओं के अमूल्य योगदान को उजागर करती है। यह मुगल काल से लेकर आज के लंदन तक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में सूफी महिलाओं की आवाज, प्रदर्शन और वाद यंत्रों को प्रकट करती है। इस प्रदर्शनी में सकल बान को शामिल करना गीत के सांस्कृतिक और संगीतमय महत्व को उजागर करता है। श्रृंखला का संगीत सीमाओं से परे है। दुनिया भर के संगीत प्रेमी इसकी धुन और संगीत प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। यह व्यापक लोकप्रियता संजय लीला बंसाली द्वारा क्यूरेट किए गए संगीत की सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती है। रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक म्यूजियम प्रदर्शनी में सकल बन की विशेषता पर बंसाली प्रोडक्शन की CEO प्रेरणा सिंह ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। SLB के सहयोग को ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर मान्यता मिलना बहुत सम्मान की बात है। हम इसे दुनिया भर के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए रोमांचित है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार भारत को संगीत के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना जारी रखता है। सूफी संगीत की समृद्ध और विधिवत विरासत और इसके इतिहास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। संजय लीला भंसाली द्वारा अभिनीत 8 भाग की श्रृंखला अब नेटफ्लिक्स पर 190 देशों में स्ट्रीमिंग कर रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।